31 अक्टूबर को सचिन पायलट के नामांकन दाखिल करने के बाद दिए बयान ने फिर से सियासी हलके में उथल पुथल मचा दी है। अब वो बयान क्या था हम आपको बताते हैं। पायलट ने कहा था कि कोई अपने मुंह से कहने मात्र से मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये बयान सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए नजर आया, क्योंकि पिछले दिनों अशोक गहलोत ने दिल्ली में कहा था कि इस कुर्सी को मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। 2018 में गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और पायलट को उप मुख्यमंत्री। तब से दोनों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़ी अंदरूनी कलह का अंकुर 2018 में फूटा था और 2020 में दोनों के बीच का विवाद आम जनता के सामने आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि खुद की सरकार होने के बावजूद गहलोत को अपने विधायकों को 34 दिनों तक होटल में रखना पड़ा। हालांकि आलाकमान के दखल के बाद विवाद शांत हुआ और सूबे में गहलोत सरकार बच गई, लेकिन इसके बाद भी लगातार दोनों नेता कभी नाम लेकर तो कभी नाम लिए बगैर एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयान देते हुए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाते रहे। अब विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों नेता एक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच तल्खियां अभी भी कम नहीं हुई है। सार्वजनिक तौर पर दोनों एक दूसरे से आमना सामना कर रहे हैं, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। गहलोत ने पायलट पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सार्वजनिक मंच हो या मीडिया के सामने निकम्मा तक कह डाला, लेकिन पायलट ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी, जिसके लिए उन्होंने आलाकमान तक को कई बार नाराज किया। अशोक गहलोत ने यहां तक कह डाला कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। अब चुनावी मौसम में पायलट और गहलोत की अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई है, जिसमें उन्होंने हाल ही में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में गहलोत का नाम लिए बिना हमला करते हुए कहा कि किसी कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। जनता के बीच खुलकर सामने आ चुकी अंतर्कलह एवं गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा इस तरह खुलेआम जाहिर करना क्या उनके लिए चुनौती बन सकती है? कांग्रेस के टिकट लिस्टों में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम गहलोत ने आलाकमान को भी साध रखा है। वैसे पहली लिस्ट में पायलट के समर्थित विधायकों को बंपर टिकट मिले, लेकिन ज्यादातर टिकट अशोक गहलोत के भरोसेमंद नेताओं को मिले हैं। हालांकि पायलट खेमे के प्रत्याशी भी टिकट लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये गहलोत के मुकाबले बहुत कम है। सभी लिस्टों में गहलोत कैंप टिकट बंटवारे में हावी नजर आ रहे हैं। क्या चुनाव में अंतर्कलह और फिर मुख्यमंत्री बनने की हिच्चा जाहिर कर वो चुनाव जीत पाएंगे, इसका जवाब अब चुनाव के नतीजों के बाद ही मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।